आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे हिंदी व्याकरण का टॉपिक कह ले या किसी और सब्जेक्ट का टॉपिक कह ले या भारतीय संविधान का टॉपिक कह ले, उसका टॉपिक आठवीं अनुसूची यानी भारतीय संविधान की आठवीं सूची में अनुसूची में जोड़ी गई आठ भाषाएं, यानी वो कौन कौन सी भाषाएं हैं उनको हम ट्रिकली से देखेंगे, ठीक है ना। कई सारे प्रश्न बन सकते हैं कि भाषाओं को जो है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जोड़ा गया है, आठवीं में जोड़ा गया है। आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं जोड़ी गई, आठ भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी जोड़ी गई और कब जोड़ी गई और कौन सी भाषा किस अनुसूची में जोड़ी गई, कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं, उसको हम ट्रिक से देखते हैं। आठवीं अनुसूची में जोड़ी गई आठ भाषाएं वो कौन कौन सी, उसको ट्रिक से देखते हैं, ठीक है ना। ट्रिक देख लेते हैं हम, देसी ट्रिक। सबसे पहला है सेंधा, सेंधा से एक भाषा बन जाएगी सेंधा नमक बोर्ड मास। सेंधा से एक भाषा, न से एक भाषा, म से, क से, बो से, ड से, मा से और स से, ये आठ भाषाएं हो गई है, ठीक है ना। सेंधा से एक भाषा, न, म, क, बो, ड, मा, स, ठीक है ना। देख लेते कौन कौन सी भाषा हैं, ठीक है ना, जो जोड़ी गई हैं। ट्रिक हमने देख लिया सेंधा नमक बोर्ड मास, ठीक है ना, ये ट्रिक बन गया। अब सबसे पहले पहले देखते हम सेंधा से, सेंधा से कौन सी भाषा बनेगी, सेंधा से भाषा बनेगी सिंधी, ठीक है ना। कब जोड़ी गई थी, पहले कितनी थी, 14 थी, उसके बाद आठ जोड़ी गई, ये आठ जोड़ी गई तो कितनी हो गई, 22। तो 22 वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं संविधान में, तो 22 भाषाओं का जो है जिक्र किया गया है। सेंधा से बन जाएगा सिंधी, जो 1967 में जोड़ी गई थी, केवल एक भाषा ही जोड़ी गई थी उस समय, है ना। सेंधा हो गया, सेंधा से न म को तीन भाषा जोड़ी गई, नेपाली, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, तीन भाषाएं जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी, तो 1992 में जो ये तीनों भाषाएं जोड़ी गई थी, तीन और एक चार हो गई, तो चार भाषाएं और चाहिए अब हमें, है ना। चौथी आती है बोड मास, बो से बोडो, ड से डोगरी, मा से मैथिली, स से संथाली या सेंथाली भी कह सकते हैं, ठीक है ना। बोड मास, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये चारों भाषाएं जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी, 2003 में जोड़ी गई थी। पहली भाषा 1967, दूसरी भाषा 1992 और तीसरी भाषा 2003, तीनों भाषाएं जोड़ी गई, मतलब आठ भाषाएं जोड़ी गई थी, तीन सत्र में जोड़ी गई थी। यानी ये आठ भाषाएं हैं जो मैंने आपको बता दी थी छोटे से वीडियो के माध्यम से, हमने जानकारी ली। सेंधा नमक बोर्ड मास, सेंधा नमक बोर्ड मास, ये आठ अक्षर हो रहे, आठ भाषाएं जोड़ी गई थी। आठवीं अनुसूची में आठ भाषाएं जोड़ी गई थी भारतीय संविधान की, पहले 14 थी, आठ ये जोड़ी गई, 22 भाषा हो गई। कौन कौन सी जोड़ी गई थी, सेंधा नमक बोर्ड मास, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये छोटा सा वीडियो ऐसे बना दिया था मैंने, ये जानकारी आपको कैसे लगी, कैसा ये आपको वीडियो यूजफुल लगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं।